एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल, आवर योर चैनल। कैसे आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल यहाँ देख सकते हो, ये हमारे घर की कुलदेवी हैं, जी हाँ काली जी। और यहाँ पे जो रस्म होने वाली है तिलक का, उसकी तैयारी हो रही है। तिलक किसका है? तिलक के साथ साथ फलदान का भी रस्म हो रहा है, तो वो भी मैं आप लोग को अपने ब्लॉग में दिखाऊँगी। तो बने रहिए, आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। और फिलहाल अभी यहाँ देख सकते हो मेरा जो भाई है, जी हाँ सौरभ, उसका आज तिलक भी है और छेका भी बोल सकते हैं, फलदान भी। तो फलदान का रस्म अभी हो रहा है। तो यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं और सारे घर के लोग, और यहाँ पे लेडीज डिपार्टमेंट देख सकते हो, और सारे गेस्ट लोग भी आ गए हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं भी आ गई हूँ, मेरा भाई, चाचा, मेरे गाँव के सारे लोग देख सकते हो। तो मैं अपने गांव मायके गई थी, जी हाँ मेरा मायका है मिथिला में, दरभंगा। तो वहीं पे गई थी भाई की शादी में। तो मैं सोची क्यों ना आप लोग के लिए ब्लॉग बनाओ, तो ये तिलक का ब्लॉग है। तो फिलहाल ये अभी जो रस्म चल रही है वो फलदान की है, तिलक का भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी, तो बनी रहिए। तो यहाँ पे फलदान की रस्म जो है वो पूरी हो गई है, और अब जो है वो लड़के को कपड़ा मिलता है, वो पहन के आया जाता है, तो अब कोई चेंज नहीं करता है। तो फिलहाल अब बारी आती है तिलक की। तो यहाँ देख सकते हो तिलक का सारा सामान है, बहुत सारा सामान जो आजकल होता है वो सारे चीज़ मिला था। तो फिलहाल मैं जहाँ पे तिलक था उसी का ले रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मिठाई का दौरा सब है, और यहाँ पे तिलक चढ़ाए, सिकरी पहना रहे हैं साला साहब जी, यहाँ मेरे भाई का जो साला है वो सिकरी पहना रहे हैं। तो यही सब रस्म होता है। पंडित जी हैं, दोनों तरफ के पंडित जी होते हैं, और सारे विधि विधान से तिलक चढ़ाया जाता है। आप लोग के यहाँ भी होता होगा, तो मिथिला में थोड़ा सा अलग होता है। तो थोड़ा सा आप लोग देखिए और सीखिए कि हमारे मायके में कैसे होता है। देख सकते हो तिलक का जो रस्म है शुरू हो गया है, और हाथ में देख सकते हो नारियल, जी हाँ नारियल जो होता है वो शुभ फल होता है। तो इसीलिए हाथ में, कभी भी आप लोग किसी को भी देखे होंगे तिलक में, तो हाथ में, लड़के के हाथ में नारियल दिया जाता है। और ये लड़की पक्ष के सारे लोग जो हैं वो तिलक चढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। और उसके बाद यहाँ पंडित जी जो हैं वो मंत्र बोल रहे हैं। तो ये हमारे जो एक होता है खानदानी पंडित है वो, और फिलहाल यहाँ पर बारी आती है तिलक होने के बाद चुमाया जाता है। तो यहाँ पे मेरी दीदी जो है वो चुमा रही है, जितनी सुहागिन होती है वो सारे लोग चुमाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो सारे लोग अभी चुमाएंगे। ये देखिए एगो हाथ है तो गलती ने कोना क्या नहीं करी सेट कर दी। अरे सेट कर दे, सेट कर मार लग रे करी आई पर क्या दी। मैं आ गई हूँ चुमाने के लिए, जी हाँ दीदी, और ऐसे करके सारे लोग चुमाते हैं।
और आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को प्लीज कमेंट करके जरूर बताने का। और सबटा जो समरे नहीं छ ना कोई एक बार इन सिंधु दही का क्या और ये है मेरी भाभी जी हाँ, जिसके लिए हमारी भाभी लगती है, मैं ननद लगती हूँ, एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मेरी भाभी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये ब्लॉग छोटा सा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा तिलक का, और ये बहुत सारा ब्लॉग आएगा जी हाँ, लगन चुनावन का और बड़ी का बहुत सारा ब्लॉग आएगा, तो उसका भी आप लोग देख लीजिए। और कैसा लगा ये ब्लॉग आप लोग को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। लगाते हुए इधर देखियो, चंदन लगाते इधर देखिए, इधर इधर इस साइड देखिए।